Student, here Abhishek sir. Student, we are discussing about chapter number 3. Chapter number 3, question number 8. I give question number 8, but no one response. किसी भी student ने response नहीं किया कि sir आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो question number 8 से हम start करते हैं. क्योंकि बार बार कहने के बाद भी कोई response आपकी तरफ से नहीं आ रहा. Okay. Question number 8, A. Write down the multiples of 3 from 30 to 50. इवेंट यहाँ कंडीशन दे दिया है. पहले तो कहा है कि हमें मल्टीपल निकालने क्या फाइंड आउट करना है मल्टीपल्स. लेकिन मल्टीपल्स कौन से बिटवीन 30 टू 50. ओके सो वी आर नो 3 10 30. तो ये कह रहा है बिटवीन राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम 30 टू 50. सो फर्स्ट मल्टीपल इज 30. फर्स्ट मल्टीपल इज 30. देन सेकेंड मल्टीपल इज 33 एंड नेक्स्ट 36 देन 39 42 45 48 एंड नेक्स्ट वन इज अ 51. बट वी कैन नॉट टेक 51. व्हाई? बिकॉज 51 इज द मोर देन 50. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक 51. एंड इवन हाउ वी गेट मल्टीपल ऑफ 3. अगर इफेक्ट अगर हमें एक मिल जा रहा है मल्टीपल 30 में पता है क्यों कहा कि फ्रॉम 30 यानी 30 है मल्टीपल. इसमें 3 ऐड करते चले जाएंगे या ये पता कर लेंगे कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 देन वी गेट 30. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 11 देन वी गेट नेक्स्ट मल्टीपल 3 मल्टीप्लाई बाय 12 देन 3 या 12 3 जा 36 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 13 39 3 मल्टीप्लाई बाई 14. ये सब करना नहीं है, बस सिंपली राइट डाउन कर देना है कि जो 3 के मल्टीपल्स भी हो और कहां से बिटवीन 30 टू 50. ओके फ्रेंड ना क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 57. व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 57. स्टूडेंट हमें फैक्टर निकालना है. किसका फैक्टर निकालना है? 57 का. ओके फ्रेंड नाउ वी फाइंड द फैक्टर ऑफ 57. इसको डिविजिबिलिटी मेथड से हम निकाल लेंगे. पहले तो हमें पता है स्टूडेंट कि वन सबका फैक्टर होता है 1 हो गया. 2 क्या 2 इसको डिवाइड कर सकता है 57 को? नहीं कर सकता. व्हाई? क्योंकि इट इज अ ऑड नंबर. ओके नाउ वी विल टेक बाय 3 5 एंड 7 12. सो इट इज अ डिवाइड बाय 3. सो इट इज अ 3. 4 no, 5 no, 6 no, 7 no, 8 no, 9 no, 10 11 12 13 14 15 no. Then next is 19. Then after 57. There is a 4 factor of 57. First is 1, second 3, 19 3 is 57 and 57 itself. Okay, then it is a question number B. Now C. Write all multiple of 8 up to 100. यानि 8 के सभी multiple कहाँ तक? 100 तक लिखने. That 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80 and 8 multiply by 11 that is a 88, 8 multiply by 12 then 96. तो यहीं तक करेंगे क्योंकि जैसे ही हम 8 multiply by 13 करेंगे then we get 104 and 104 is more than 100. So we can write 8 multiply by 1 8 then 8 multiply by 2 16. इस बार ऐसे क्या करेंगे? टेबल लिख देंगे किसका? 8 का. लास्ट में कर देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 11 देन वी गेट 88 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 12 देन वी गेट 96. पहले आप क्या लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 5. ऐसे करते करते जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 तक. ऐसे हमें क्या मिलेगा? हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके नाउ वी सॉल्व
8A, 8B, 8C. Now we will take 8D. 8D question is how many multiples of 2? यानी 2 के कितने multiples हैं? Are there between 1 and 20? यानी 1 और 20 के बीच में कितने multiples हैं? या इसको लेके 20 तक कितने? Then first multiple of 2 is 2, then 4, then 6, then 8, then 10, then 12, then 14, 16, 18 and 20. What is the number of multiple of 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then your answer is 10 numbers. Okay, then your answer is 10 number. So student, it is a question number 8. Now we will look question number 9. Now student, we will take question number 9. And question number 9, A is 98 a multiple of 8? कह रहा क्या 98 जो है 8 का मल्टीपल है या नहीं है? तो मैंने क्या आपको बताया था, मेथड बताया था कैसे हम डिवीजन के लाइक डिवीजन मेथड द्वारा हम पता कर लेंगे और ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 98. इफ 98 फुली और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, देन वी कैन से यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8. इफ इट इज अ नॉट डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, देन वी कैन से इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 8. सो लेट अस चेक 98 डिवाइड बाय 8. देन 8 वन जा 8. नाउ 1 रिमाइंडर, देन वी टेक 8 हियर, 8 टू जा 16, देन वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर, वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर. सो वी कैन से 98 इज अ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8. सो Our answer is no. Okay. Now we will take question number B. Is 105 a multiple of 3? कह रहा क्या 105 3 का मल्टीपल है? तो स्टूडेंट यहां भी वही सेम प्रोसेस करेंगे. We divide 105 by 3. अगर 3 यहां 105 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर देता है, अगर फुली डिविजिबल कर देता है, तब तो कहेंगे हाँ वो क्या है मल्टीपल है. अगर फुली डिविजिबल नहीं करता है, कुछ भी एज अ रिमाइंडर बच जाता है, तब तो वो क्या होगा मल्टीपल नहीं होगा. लेट अस चेक 3 जा 9, देन वी गेट एज अ रिमाइंडर 1 एंड वी पुट देयर 5. ओके, देन 3 5 जा 15 we get remainder 0. Then we can say 105 is a multiple of 3. Then we write answer. No. Answer yes. हाँ ये मल्टीपल है. क्यों मल्टीपल है? क्योंकि ये फुली डिविजिबल है. ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज लिस्ट ऑल मल्टीपल्स ऑफ A 14 and B 25, but there is a condition which are less than 100. यानी हमें 14 का और 25 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन कंडीशन भी है साथ में. क्या मल्टीपल्स क्या होनी चाहिए? लेस देन 100. देन फ्रेंड फर्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर A. देन 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा सॉरी इट इज अ 14. नाउ 14 6 जा एंड 47 जा 98 एंड 48 जा 112. बट इवन वी कैन नॉट टेक 14 8 जा. व्हाई? बिकॉज वी गेट प्रोडक्ट एज अ 112. लेकिन फ्रेंड यहाँ क्या हमें कंडीशन दिया था कि लेस देन
यानी 100 से कम ही होना चाहिए, वही मल्टीपल लेना है जो 100 से कम होना चाहिए, दैट्स व्हाई स्टूडेंट हम इसको क्या नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये रहा 14 के मल्टीपल, ये रहे 14 के मल्टीपल जो कि क्या है 100 से लेस है, 100 से कम है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर बी इज 25, हमें क्या लिखना मल्टीपल ऑफ 25, मल्टीपल ऑफ 25 जो कि इसका होना चाहिए लेस देन 100, दैट 25 1 जा 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। स्टूडेंट यहाँ हम 4 जा नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा क्या आ रहा 100 आ रहा है, क्या रहा 100 आ रहा है, एक कंडीशन क्या विच आर लेस देन 100 जो कि 100 से कम होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली 100 हो जा रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक 15 4 जा, सो इट इज अ 25 50 and 75 इज अ मल्टीपल ऑफ 25 विच आर लेस देन 100। सो इट इज अ क्वेश्चन नंबर 10। ओके नाउ होमवर्क इज डू होमवर्क सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ओके